नमस्कार, आज के इस योग सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, योग चिकित्सक एवं पूर्व शोध अधिकारी योग जीबी पंत हॉस्पिटल। ग्लोबल योग अलायंस के योग विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिकों की टीम ने किस प्रकार से हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, इस पर अनुसंधान कार्य आरंभ किया और उसमें यह पाया के हठ योग में 10 ऐसी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही सक्षम है। हम अपने इन 10 सत्रों में उन 10 योगिक क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले सत्र में हमने वात्सार धोती के बारे में जाना और आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे वारिसार धोती की। घेरन ऋषि, जो हठ योग के बहुत बड़े योग ऋषि हुए और उन्होंने घेरन संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जो हठ योग का बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है, और उसके प्रथम अध्याय में शोधन क्रियाओं के अंतर्गत अंतर्धोती की चर्चा की और उसमें पहली जो क्रिया जिस पर हमने जाना पिछले सत्र में वातसार, और आज हम जानेंगे वारिसार के बारे में। वारि का अर्थ होता है जल। किस प्रकार जल के द्वारा हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं और शरीर की शुद्धि करने के उपरांत अपने न केवल पाचन संस्थान को शुद्ध करते हैं बल्कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं वारिसार क्रिया की, किस प्रकार यह की जाती है। हमारे योग शिष्य जसवंत सिंह इस क्रिया को सबसे पहले आप ध्यान रखें, हमें खाली पेट करना है, जल को गुनगुना कर लीजिए और जग और गिलास रखकर बैठ जाइए इस प्रकार से जमीन पर और यथाशक्ति जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार जल पीना शुरू करें और आप जल को लगातार धीरे धीरे पीते जाएं जब तक कि ये जल पूरी तरह से हमारे पेट में ना भर जाए। इसको यथासंभव यथाशक्ति हमें पीना चाहिए। आपने नाम सुना होगा शंख प्रक्षालन का, वो इसी वारिसार को हम शंख प्रक्षालन के नाम से भी जानते हैं। ऐसी अद्भुत क्रिया है कि पूरी मुंह से लेकर और पूरी रेक्टम तक ये पूरी एलिमेंट्री कनाल की सफाई कर देती है। जब आप जल पूरा पी लें और जल पीने के उपरांत धीरे धीरे हम इसके बाद देखेंगे 5 ऐसी क्रियाओं का अभ्यास हम करेंगे जिसके माध्यम से ये जल धीरे धीरे मुंह से नीचे की ओर आना शुरू होता है। जल पीने के उपरांत हम खड़े हो जाएं और खड़े होकर हम इन 5 क्रियाओं को करेंगे। आप देख रहे हैं सबसे पहले जसवंत सिंह जैसा कर रहे हैं, दोनों हाथों से हम ताड़ासन की अवस्था बनाएं और इस प्रकार से ताड़ासन करते हुए 2 से 3 बार इसका अभ्यास करें ताकि हम जल को धीरे धीरे हमारा ये जल पेट से नीचे की ओर आए। ताड़ासन के पश्चात हम दूसरी क्रिया करेंगे, पाँव को खोलने और पाँव को दोनों खोलने के बाद ताड़ासन की अवस्था बनाते हुए बारी बारी हम बाएं और दाहिनी ओर कमर को मोड़ेंगे इस प्रकार से, और इसको 4 से 5 बार इस क्रिया का अभ्यास करें ताकि ये जल धीरे धीरे और नीचे की ओर आए। इसके पश्चात तीसरी क्रिया, फिर से दोनों हाथों को साइड में खोलकर पांव को खोलते हुए दाहिनी ओर और बाईं ओर कमर को मोड़ते हुए और दोनों हाथों को नीचे की ओर हल्का सा कंधों से झुकाते हुए इस प्रकार से अभ्यास करेंगे ताकि ये जल फिर और थोड़ा नीचे की ओर आता जाएगा। इसके पश्चात हम इससे अगली चौथी क्रिया भुजंगासन की स्थिति बनाते हुए दोनों हथेलियों को जमीन पर रखते हुए बारी बारी गर्दन, कंधे और कमर को दाहिने और बाईं ओर हम मोड़ेंगे और इस प्रकार से इसको भी 4 से 5 बार अभ्यास करेंगे ताकि ये जल और नीचे की ओर आ जाए। इसके उपरांत बैठकर ये 5वीं क्रिया हम करेंगे और एक घुटने को जमीन पर और दूसरे घुटने को दूसरी तरफ और कमर को दाहिने और बाएं बारी बारी मोड़ते हुए इस प्रकार से जल को और नीचे लाने का
प्रयास करेंगे और इन पांचों क्रियाओं को पुनः हम 2 से 3 बार दोहराएंगे ताकि ये जल पूरी तरह से ऊपर से अब नीचे की ओर आ जाए और जब प्रेशर बनने लगे तब उसके पश्चात हम वॉशरूम जाकर रेक्टम के माध्यम से रेक्टम के रास्ते इसको हम विसर्जन कर देंगे। और अगर एक बार में ये पेट साफ नहीं होता तो जितनी बार 2 या 3 बार में होता है पूरी तरह से पेट की सफाई कर देंगे। आपने देखा किस प्रकार से ये वारिसार धोती पूरे हमारे एलिमेंट्री कनाल की सफाई करती है मुंह से लेकर, और धीरे धीरे पूरा पानी हमारी पूरी एलिमेंट्री कनाल को साफ करता हुआ रेक्टम से बाहर आ जाता है। ध्यान रखें इस क्रिया को सदा खाली पेट करें, पानी को गुनगुना करके पिए और क्रिया के करने के उपरांत आधा घंटे बाद या 40 मिनट बाद 30 से 40 मिनट के पश्चात हल्का नाश्ता करें, दलिया या खिचड़ी या हल्का भोजन करें, गरिष्ठ भोजन ना करें। आप देखेंगे ये इतनी अद्भुत क्रिया है और ये केवल योग में ही बताई गई है कि जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल की को वॉश आउट करती है, हमारे पाचन संस्थाओं को सुदृढ़ बनाती है, हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और हमारे उदर संबंधी सभी रोगों को दूर करती है, चाहे वो कब्ज है, चाहे वो डायरिया है या हमारी अपच या और भी इतनी अनेकों बीमारियां हैं जो पेट की उदर से संबंधित, वो हमारे पाचन संस्थान की सभी बीमारियों को दूर करती है। तो अगले सत्र में हम इसी प्रकार एक और क्रिया के बारे में जानेंगे। तब तक आप कोरोना से बचें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और हाँ सदा याद रखें पृथ्वी और प्रकृति से प्रेम करते रहें, सदा सुखी रहेंगे। नमस्कार।